पार्षदों का काम नहीं होता। मैं सोचता हूँ कि जनप्रति जो सिंपल होगा उनका काम कैसे होता होगा। हम बिल्कुल तंग है जी, बिल्कुल तंग। आप सिर्फ यहाँ बैठे रहते हैं, कभी लाइट चेक करने नहीं आते, कभी लाइट को देखने जाते, वो ठीक कर रहे हैं। एक बल्ब भी बना दो सर, एक बल्ब के आने वाले बंदे को लगाने के लिए कोई रीजन है। कहीं ना कहीं कमी है आपके टाइम पे, अभी ठीक नहीं है इसका। इसका इलाज करो जी, हाउस मीटिंग में डाल दो इसके खिलाफ। जिसकी रोड में तो गला है ना, बिल्कुल राज पता नहीं किसके आयुर्वेद आगाम की मैं बोल रहा हूं। तो ऐसा ही कैथल नगर परिषद की आज हाउस की बैठक में पार्षदों और अधिकारियों के बीच काफी गर्मा गर्मी देखने को मिली। यहां तक कि पार्षदों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अधिकारी व लाइट इंस्पेक्टर पर रिश्वत लेने के आरोप भी जड़ दिए। इसके बाद काफी हंगामा भी मीटिंग में देखने को मिला। देखिए वीडियो। मैडम के पास जी बैठे नहीं, वो मौका देखने जा रहे जी। मैडम से कहते हैं पीछे अधिकारी से मांगते हैं उनका नंबर देने का हमारे पास अधिकार नहीं है, तो हम किसके पास जाएं जी। मैडम तो बोल देते हैं कि वो मौका देखने के लिए गए। जब पार्षदों का काम नहीं होता, मैं सोचता हूँ कि जनप्रति जो सिंपल होगा उनका काम कैसे होता होगा। हम बिल्कुल तंग है जी, बिल्कुल तंग। अब सभी कर्मचारी L1 L2 और मैडम सभी एक ही जगह बैठा दी है ताकि दिक्कत ना रहे। कब से बैठाया जी ये तो बता दो जी मेरे को। तीन चार दिन हो गए। कौन से रूम में बैठते मैडम ये तो बता दो। घूमने घाट में मैंने अब तक देखे नहीं ना जी, आगे घूमने घाट में भी। एक और बात है ना, सीधे ऐसे अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी ना, एनवुड एरिया की वीडियो है, सब स्पष्ट मना कर देते हैं। आप लोग शिकायत करो हमारी मीटिंग में, कोई दिक्कत घूम रहे हैं नहीं। आप ना आप सिर्फ यहाँ बैठे रहते हैं, कभी लाइट चेक करने नहीं आते, कभी लाइट को देखने जाते, वो ठीक कर रहे हैं। एक बल्ब भी बना दो सर, एक बल्ब के आने वाले बंदे को लगाने के लिए। एक बाहर वाले का जी गलत है सर, व्यवहार भी ठीक नहीं है इसका। इसका इलाज करो जी, हाउस मीटिंग में डाल दो इसके खिलाफ। व्यवहार भी ठीक नहीं है। नहीं कोई नहीं है, लाइट लेकर जा रहा है आपका काम, लेकर जा रहा है लेकिन नहीं हो। एक मिनट जिस तरह से सदस्यों में रोष है, कोई कोई रीजन है, कहीं ना कहीं कमी है आपके लेवल पे, कमी है। आगे से ये नहीं रहनी चाहिए। अब एक बार आपको मौका दिया जा रहा है, अगली बार ऐसा नहीं होगा, फिर कार्रवाई की जा रही है। जिसकी रोड में तो रवा है ना, बिल्कुल राज पता नहीं किस किसके आयुर्वेद आगा वागा एमसी धक्की धक्की बैठी है। जिसकी मरोड में वो भी खिलाफ मैं आपके पास कई बार आया, उसमें एक निकल गया है, वो अप्रूव्ड नहीं है, इसमें ये मैटर आया। अब वो मकान बन भी गया मैडम जी, ऑफिसियल मकान बन गया, मैं देख के उसके पत्थर लग गया। मैं उसे बोले भी कैसे बना था, अप्रूव भी नहीं था, क्योंकि मैं साहब के पास कहीं चक्कर लगा गया उस मैटर के लिए। आप 25 में जाओ, फलाना टिकड़ा मुकड़ा, कोई राह नहीं आया। अब वो उसका फोड़ना, नीम भी नहीं खोदनी पड़ी उसको, उसको पैसे भी लाउट हो गए, मकान ही बन गया। एक MC के कहने से तो कुछ नहीं था, पैसे बन गया जी। दूसरी बात 25,000 रुपये लिए गए हैं जी। मैं उस बंदे का नाम बता सकता हूँ जिसने लिए है, उस बंदे को पेश कर सकता हूँ जिसने दिए है। मेरे कहने से तो जब पहली मीटिंग थी उस समय भी हमने ये बात बोली, 25,000 का यहाँ रेट खुला हुआ है, और प्लीज इसको बंद करवा दे, और ये ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन वो बंद नहीं हुआ। मैं उस अधिकारी का नाम भाई मीडिया ले सकता हूँ, और जिसने दिया वो बता सकते हैं। आप उसका एफिडेविट मंगा दो, अगली मीटिंग में देखना क्या कार्रवाई। ठीक है रिंकू जी, मीटिंग में आपने जो PMKY जो योजना है उसके खिलाफ एक अधिकारी पर पैसे लेने का आरोप लगाया। हाँ जी, कितनी सच्चाई है? सभी को जय श्री श्याम जी। जैसा कि आपने देखा, मेरे वार्ड 20 में एरिया बढ़ता हरिनगर, जो कि अनअप्रूव्ड है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री आवास योजना में कई बार आया भी, और एक केस मेरा था बैंक कॉलोनी का, उसके लिए भी आया। इन्होंने मेरे को गुमराह करके रखा,
जबकि मैंने उसके 2 महीने बाद पता लगा कि वहाँ तो मकान भी बन गया, उसमें पत्थर भी लग गया आवास योजना का। जब मैंने उनसे पूछा भी ये कैसे बना, तो उन्होंने कहा हमारे से तो 25,000 रुपये लिए हैं जी, अरे हमने कहीं जाना नहीं पड़ा, नीम भी खोदनी नहीं पड़ी, बस पैसे डल गए और तीसरी किस्त अब आने वाली है। नाम मैं आप लोगों के सामने रखने लग रहा हूँ क्योंकि उस समय मैं रख नहीं पाया था। अजय भूरा उन्होंने नाम बताया है, 25,000 रुपये उनसे लेके आया है और उन्होंने अपना काम किया है। जबकि अजय भूरा को यहाँ इनके इसमें है प्रधानमंत्री आवास योजना में, उसने लिए हैं, उसका नाम कंप्लेनर ने बोला, मैं उसके खिलाफ एफिडेविट भी दूंगा, कंप्लेनर को भी लेके आऊँगा, सब कुछ उसका साबित करेंगे हम ऐसे करप्शन नहीं होने देंगे। एक पार्षद को तो गुमराह कर रहे हो, जबकि ये आवास योजना हमारे माननीय मोदी जी ने गरीबों के लिए चलाई हुई थी। रिंकू जी, जो कई पार्षद हैं वो नाराज दिखे मीटिंग में भी, और ऐसा आरोप लगा कि अधिकारी उनको बैठने तक की मतलब चेयर भी नहीं देते। इसमें देखो वैसे तो सभी अधिकारी कोऑपरेट कर लेते हैं, एक मैडम है शीतल, उनसे ये बात आई थी, मैं उनके रूम में चला गया था, वो जो टैक्स ब्रांच में है, मैं वहाँ पे बैठ गया, उन्होंने मेरा कुछ काम करना था, तो उन्होंने स्पष्ट मेरे मुंह पे कहा कि ऐसा एमसी साहब यहाँ बैठना अलाउ नहीं है आपका, आप ऊपर जाकर बैठो 22 नंबर कमरे में। मैंने कहा मैडम ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है, कुर्सियाँ खाली हैं, मैं पार्षद हूँ, मैं अपने काम के लिए बैठा हूँ, वैसे तो बैठा नहीं। क्योंकि नहीं सर आप यहाँ बैठ नहीं सकते, आप जा सकते हो, आपका काम होएगा आपको कॉल कर दी जाएगी। कार्य प्रणाली से आप संतुष्ट हो? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है जी। क्या कार्य प्रणाली, लाइट का यहाँ नहीं, लाइट की कितने फ़ोन कर लो, एक से एक बड़ा हुआ है अफसर, मतलब जिसका काम है ना फील्ड में जाकर चेक करने का, वो तो कुर्सी से नहीं उठता। आप बताइए जी, आपने भी काफ़ी सवाल मीटिंग में उठाए, काफ़ी असंतुष्टि आपने बताई। सबसे बड़ा तो यह है जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सपना था कि गरीब लोगों को 2.5 लाख रुपए की मदद देके भाई लोगों के मकान बनाना, कच्चे मकान को पक्का करना। लेकिन जहाँ तक हमारे नॉलेज की बात है, लगभग मैं तो बल्कि हमारे डीसी सर हैं, अच्छे डीसी सर हैं जगदीश शर्मा जी, तो मैं उनके माध्यम से सभी पार्षदों को लेके जाऊंगा कि जहाँ जब तक जैसे हमने पता है कि हमारे कैथल में लगभग 800 लोगों को कच्चे मकान को पक्का करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपए की राशि मंजूर हुई है। मेरा अनुमान है, मेरा राजनीति तजर्बा है, लगभग 50 लोगों को छोड़कर 750 लोगों पर पूरे सर 750 लोगों पर आप इंक्वायरी कर सकते हो घर घर जाकर, भाई किसी के भी पैसे बगैर किस्त, जैसे 1 लाख की किस्त आती है तो 20,000 रुपये ले जाते हैं। तो मेरा डीसी सर से भी अनुरोध है, हम लिखित में भी दे के आएंगे भाई इसकी कोई, या तो सीएम फ्लाइंग के माध्यम से या कोई बिजनेस इंक्वायरी की जाए। एक लगभग 6 महीने पहले की बात है, एक मेरा अंकल है हमारे परिवार से, राजवीर सैनी, सन ऑफ श्री जंगीर सैनी, मजदूरी करता है मनी राम कचोरी वाले जी अब पेवा चौक, उसकी दुकान पे कचोरी बनाता है। तो मैं हमारे अधिकारी से मिला कि सर ऐसे ऐसे गरीब आदमी हैं, इसके 1.5 लाख रुपये आए हुए हैं। तो ऐसे लगे अधिकारी कहने कि इन्होंने तो अपना मकान बना लिया भाई, इनको कोई पैसा नहीं मिल सकता अब। तो मेरे जैसे 2-4 दिन मैं वार्ड में राउंड पे गया तो मुझे पता चला कि मेरे अंकल से 60,000 की किस्त डालने के बावजूद भी 60,000 की जो फर्स्ट, जैसे इसमें 1.5 लाख पे सर 60,000 की फर्स्ट किस्त और सेकंड किस्त 60 की और थर्ड किस्त 30 की, 1.5 लाख रुपये जी मरम्मत के और 2.5 लाख रुपये है नया बनाने के, जैसे एक लाख की फर्स्ट, 1 लाख की सेकेंड और 50 लाख की थर्ड। जैसे मैं राजवीर अंकल से बोलिया, मैं अंकल जी नू ऐसे कह कि लीलू बेटे भाई आप तो कुछ करा नहीं सके, आपको इतने बोटे दे के बनाया, इतना भी मान भाई आपको इतने भी मान से बनाया, आपकी पकड़ भी है भाई, सांसद साहब के भी आप नज़दीक हो और विधायक के भी आप नज़दीक हो, चेयरमैन के भी आप नज़दीक हो, कि मेरी किस्त तो राजवीर सनोप श्री जंगीर सैनी बोलता है कि मेरी जो 60,000 की किस्त डाली है मुझसे तो 20,000 रुपये लेकर डाल दी। तो मैंने तुरंत अधिकारियों से बात करी भाई, जब पार्षद आता है किसी काम के लिए तो पार्षद के मान सम्मान की बात होती है, जब तो हमारे अधिकारी चुप्पा दे देते हैं, जैसे हमारे रिंकू भाई बोल रहे थे कि चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो, मिठे पोछे मारा है। आप बड़े आरोप लगा रहे हो। बिल्कुल जी, मैं जो आरोप ला रहा हूँ, राजवीर सनोप श्री जंगीर सिंह, राजवीर भी आपको इंटरव्यू दे सकता है, जब उसकी 60,000 रुपये किस्त डली तो 20,000 रुपये की कमीशन खोरी कोई कर्मचारी, कमेटी का ही कर्मचारी, तो उस पर ले आया। तो मैं हमारे अधिकारी अभी साल गुप्ता जी, लेकिन ईमानदार है, वो खुद ईमानदार है, जो उसके नीचे का स्टाफ है बिल्कुल डफर है, बिल्कुल जीरो है, गरीब लोगों को लूटने का काम कर रहा है। जब मैं अधिकारी से मिला तो अधिकारी बोलिया इसकी जांच करा गए, लगभग 6 महीने हो गए जी, कोई जांच नहीं हुई, और मेरे कहने के बावजूद 60,000 रुपये अगली बार मिले, कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ी,
और जब 30,000 रुपये मिले कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ी। तो मैं तो एक छोटा पार्षद हूँ, जितने मेरे साथी सुन रहे हैं, मुझसे बड़े बड़े राजनीति लोग, विपक्ष के लोग या मेरी पार्टी के लोग, मैं ये चाहता हूँ कि आज तक 800 लोगों को कैथल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसे मिले हैं। मेरा दावा है कि 700 लोगों को छोड़कर 100 लोग ऐसे हैं जिनको फ्री में मिले और 700 लोग ऐसे हैं जिनको कम से कम 40-50 हज़ार रुपये रिश्वत का भट्ठा गोड़ है। और ADC के माध्यम से, इसके मेन ऑफिसर है ADC सर, मैं ADC से भी करता हूँ कि आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने भी केस कैथल में हुए हैं उनकी विजिलेंस जांच या CM फ्लाइंग के माध्यम से उनकी इंक्वायरी करवाई जाए। और मेरा दावा है कि 700 लोगों ने अपने मकान रिश्वत दे के बने हुए हैं सर।